now it's turn to solve question number 29. So let's have a look. To read a poster on a wall, a person with a defective vision needs to stand at a distance of 0.4 meter from the poster. A person with normal vision can read the poster from a distance of 2 meter. Which one of the following lens must be used to correct the defective vision? We are given 4 options. So student, in this question, we need to find out the lens which is used for the correction of the defect of the person. सबसे पहले इस question में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो person है उसको कौन सा defect है. Student, here you can clearly see that it's written that with the defective vision he needs to stand at a distance of 0.4 meter from the poster. उसको 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े होने की ज़रूरत पड़ रही है पोस्टर से, जबकि एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल विजन का जो पर्सन है वो रीड कर सकता है पोस्टर को फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. एक नॉर्मल पर्सन कहाँ से रीड कर पा रहा है? 2 मीटर से. लेकिन उसको कहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत पड़ रही है? 0.4 मीटर पर, यानी कि उसको पोस्टर के पास जाके पोस्टर को देखना पड़ रहा है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि पर्सन जो था वो कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जबकि एक नॉर्मल पर्सन उस पोस्टर को कहां से देख पा रहा था? 2 मीटर से. उसको पोस्टर के पास जाना पड़ा, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है? ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. सो हियर आई कैन राइट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. क्यों मायोपिया से वो सफ़र कर रहा है? क्योंकि उसको वो पोस्टर क्लियरली विजिबल नहीं है और उसको पोस्टर के पास जाके उसको देखना पड़ रहा है. उसको 2 मीटर के डिस्टेंस से, जहाँ से नॉर्मल विजन वाला पर्सन उसको देख रहा है, उसे वहाँ से वो विजिबल नहीं है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस. स्टूडेंट, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है करेक्शन के लिए? वी नो फॉर मायोपिया कनकेव लेंस इज यूज्ड. सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है. स्टूडेंट, हियर वी हैव वन ऑप्शन विच सेज अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर. तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पर्सन किससे, कौन सा डिफेक्ट है पर्सन को? मायोपिया. उसको दूर की चीज़ देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कन्वेक्स लेंस हम यूज़ नहीं कर सकते. सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सो इट मीन्स जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो या तो ऑप्शन 1 हो सकता है, ऑप्शन 2 हो सकता है, या ऑप्शन 3 हो सकता है, क्योंकि इस डिफेक्ट को, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस की ज़रूरत होती है. नाउ लेट्स सी कि कौन सी पावर का लेंस यूज होगा. तो टू फाइंड आउट द पावर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी नो पावर इज 1/फोकल लेंथ. सो वी विल फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. स्टूडेंट, हियर बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/V - 1/U is equal to 1/F. What is u in this case? Student, u is the object distance. Object जो है वो कितने distance पर है उससे? 2 meter पर. उसकी image कहाँ पर बननी चाहिए? -0.4 meter पर. मैं ये क्यों ले रही हूँ negative sign? Because we know object distance is always negative and v is negative because image will form on the same side of the lens. And hence, now we just have to substitute the values here. 1/F will be equal to -1/0.4. When I will write here -2, this minus sign will change into the plus and I will get 1/2. On solving this, student, I will get -2. So this is 1/F. Now what is 1/F? It's the power. So power comes out to be -2 diopter. So this is the power of the lens which is required by the person to correct his defect. As the sign here is also minus, which means concave lens is used. So you can also solve this by this method, that at the end there is the minus in the power, it means the concave lens is used. So if we have a look at the options, power is 2 diopter and the lens is concave. So as you can see, option 3 is the correct option. Let's write it down also. That is option 3. So I hope, student, this question is very clear to you. Now let's solve question number 30.